नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। बोहरा समाज ने गलियागुट रोड पर किया स्वागत द्वार की भूमि का पूजन। सागवाड़ा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर पालिका ने स्वागत द्वार लगाने का काम हाथ में लिया था, जिसकी शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के बर्थडे से हुई। गलियागुट मार्ग पर शहर का पहला स्वागत द्वार बनेगा, जो बोहरा समाज की ओर से बनाया जाएगा। स्वागत द्वार के निर्माण को लेकर गुरुवार दोपहर को भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेख मुस्तफा रामपुरा वाला थे। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष शेख राजू मामा, शेख हुसैन बद्री, शेख मुस्तफा उज्जैन वाला, शेख अली असगर बारूद वाला, इंजीनियर अली कोसर भाई उदयपुर, शेख अली असगर भाई उदयपुर, बहरुद्दीन तवावाला, हुसैन तवावाला, ईओ मुकेश कुमार मोहिल, पालिका के जयन लोकेश पाटीदार, कांग्रेस नगर अध्यक्ष बंधु पाठक, ललित पंचाल, नानू मोड़ पटेल, भरत भट्ट आदि खोडनिया आदि मौजूद थे। गलियागुट मार्ग पर बनने वाला स्वागत द्वार 24 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जिसकी दोनों ओर से वाहन गुजर सकेंगे। इस दौरान क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने और क्या कह रहे हैं बोहरा समुदाय के लोग, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इसकी कुल ऊंचाई 12.80 मीटर होगी। यदि स्वागत द्वार के ऊपर के डिजाइन को छोड़ दें तो इसकी ऊंचाई 7.30 मीटर होगी। आज सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में पहले जिस तरह से करीब 7 महीने पहले सागवाड़ा के सौंदर्यकरण में 4 चांद लगाने के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की घोषणा भामाशाह के द्वारा की गई थी, उसके अंतर्गत आज गलियाकोट रोड पे हमारे इस क्षेत्र के धर्मगुरु बोहरा समाज के माननीय शेख मुस्तफा डॉक्टर मुस्तफा सैयदना जी के द्वारा, मुफद्दल सैफुद्दीन सैयदना साहब के द्वारा एक प्रवेश द्वार की घोषणा की गई थी। पिछले दिनों गलियाकोट आए थे तो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई दिनेश जी खोडनिया के द्वारा उनको निवेदन किया गया था कि सागवाड़ा के सौंदर्यीकरण के लिए एक प्रवेश द्वार आपकी तरफ से बनाया जाए। तो आज हमने ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है, उसमें उपस्थित भाई साहब गलियाकोट के मुस्तफा जी रामपुर वाले हैं, अली भाई कोसर हैं, हमारे डिप्टी साहब हैं, नगर पालिका के हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई, सभी पार्षद और बोहरा समाज के सभी अग्रणी गण आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज मेरा 10 मार्च को मेरा जन्मदिन है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा सैयदना साहब का कि आज एक गिफ्ट के रूप में ये जो सागवाड़ा के सौंदर्यकरण के लिए जो प्रवेश द्वार दिया है उनका हम आभारी हैं। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ये गिफ्ट मुझे ही नहीं दिए बल्कि सागवाड़ा के 45,000 जनसंख्या के लोगों को दिए। मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी भावना जो हमारे प्रति रही, विकास के अंदर आपका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह से हमेशा सैयदना साहब वर्तमान में जो हैं, इसके पहले भी बुरहानुद्दीन जी भी थे सैयदना साहब जो पूर्व के, उनका भी इस वागड़ के प्रति काफ़ी अच्छा प्रेम रहा है और उन्होंने भी हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के सुख शांति के लिए यहाँ गलियाकोट की दरगाह में आकर के दुआएं की हैं और ये क्षेत्र हमेशा उनका आभारी है, सैयदना साहब का आभारी है। और हम भी सभी सागवाड़ा के लोग, सागवाड़ा की जनता आपके आभारी हैं कि आपने हमारे एक छोटे से अल्प निवेदन पर भाई दिनेश जी खोडनिया के द्वारा ये अल्प निवेदन किया गया था। इसके बाद दिनेश जी ने हमें नगर पालिका के सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों को उनके ऑफिस में बुला करके हमें कहा था कि एक गेट सैयदना साहब के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है और उसके लिए आगामी दिनों में शिलान्यास की तारीख तय की जाएगी। और आज वास्तव में 10 मार्च को जो उन्होंने तारीख तय करके हमें बताई, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर उन्होंने ये जो हमें तोहफा दिया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह लजनत तफा
कुछ महीने पहले माननीय दिनेश जी खोडरिया जी ने सेना से अनुरोध किया था कि सागवारा की खूबसूरती के लिए चारों तरफ गेट बनाया जाए। सेना ने उस वक्त दुआ की थी कि सागवारा खूबसूरत बने, बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, और आपने एक गेट के लिए सेना ने फरमाया था कि एक गेट सेना की ओर से बने। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मौला की तरफ से गेट बन रहा है, उसमें हमें भी सेवा का मौका मिला, और बड़ी खुशी है कि आप आज आपका जन्मदिन है। दुआ करते हैं कि सब लोग शांति से, अमन से, भाईचारे से बहुत ज़्यादा तरक्की करें और सैयदना की उम्र को हमेशा हमेशा दराज करें, ताकि हम लोगों की हमेशा मदद करते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। आमीन। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।